चलो स्टार्ट करते, ध्यान दो। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है पहला चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें ऐसा भी टर्म्स तुमको मिलेगा जो तुम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, बराबर। ऐसा है, सिर्फ मेरे ख्याल से मेरे को लगता है ये चीज़ तीन चीज़ सिखाना है, बाकी सब पहले पढ़ा हुआ चीज़ है। ऐसा इजी इजी एकदम, कुछ भी हार्ड नहीं, ज़्यादा 30-45 मिनट्स लगेगा बस। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अलग अलग टाइप्स का सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, मालूम है। एक होता है CGS, मालूम है। CGS का फुल फॉर्म मालूम है, बोलो क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है, केमिस्ट्री के चैप्टर में भी आया था ना वहाँ पे। फिर दूसरा सिस्टम क्या होता है, MKS, MKS का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, बराबर। फिर नेक्स्ट FPS, FPS का मतलब क्या है, फुट पाउंड, हाँ हाँ फुट पाउंड सेकेंड, समझा समझा क्या फुल फॉर्म, इससे पढ़ाया हुआ चीज़ है ना सब कुछ पहले। SI का फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ना, सिंपल सिंपल जो पहले पढ़ा हुआ वही सब चीज़ें, कुछ नया 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 नहीं, समझा। चलो देखते हैं एक एक को डिटेल में देखते हैं। फुल फॉर्म तो उन्होंने बता ही दिया, एक स्टेटमेंट याद हुआ अपने आप लाइन से, तीन सब स्टेटमेंट याद हुआ। देखो स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टैंड फॉर, उसका मतलब क्या है, बराबर। जिसका मतलब वो एब्रीवेशन ना, शॉर्ट फॉर्म है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, CGS स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, समझा। इन दिस सिस्टम लेंथ मास एंड टाइम इज मेजर्ड इन, लेंथ किसे मेजर करेंगे तुम लोग, सेंटीमीटर, देखो लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम इन, यही उसका पॉइंट है। पढ़ लो पॉइंट, पढ़ो पढ़ो। इट स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इन दिस सिस्टम लेंथ मास टाइम इज मेजर्ड इन, हाँ लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए सेकेंड। ऐसा ही आगे का सब पॉइंट, ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है, कुछ नया नया नहीं पढ़ा रहा हूँ तुमको। सेकेंड सिस्टम पढ़ो क्या है, MKS, खुद से बना होता देखो मत, बोलो इन दिस, मतलब वो क्या स्टैंड फॉर, MKS स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड, समझा। इन दिस सिस्टम लेंथ मास टाइम इज मेजर्ड इन मीटर किलोग्राम सेकेंड, जो उसका फुल फॉर्म है उसमें मेजर करेंगे, और क्या, समझा। तीसरा पढ़ाओ क्या है, F मालूम है क्या, फुट, फुट ना फुट होता है, बराबर। चलो पढ़ो क्या, इट स्टैंड फॉर फुट पाउंड सेकेंड, बराबर। इन दिस सिस्टम लेंथ मास टाइम इज मेजर्ड इन फुट पाउंड एंड सेकेंड, सिंपल ना। लास्ट ऐसा सिस्टम मालूम है, ये सिस्टम ने पूरा का पूरा ऊपर का जो भी सिस्टम है सबको रिप्लेस कर दिया, मालूम है ना। एक कॉमन सिस्टम लेके आए, इसमें हम लोग डेसिमल नंबर्स यूज करते, डेसिमल सिस्टम यूज करते ना, मतलब डेसिमल 0 to 9, वो पढ़ो पहला पॉइंट। इट स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, SI ना, S मतलब सिस्टम, I मतलब इंटरनेशनल, शॉर्ट फॉर्म पर ऐसा। सेकंड पॉइंट, इट हैज बीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड इज बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह यूज किया जाता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, बराबर ऐसा। थर्ड पॉइंट, एज द SI यूनिट यूज्ड, कौन सा बताया तुमको मैंने, डेसिमल बताया था ना, हाँ डेसिमल सिस्टम। कन्वर्जन विद इन द सिस्टम इज वेरी इजी, कन्वर्जन होता है ना, 1 kg 1000 g ऐसा दिख रहा है, कन्वर्जन कन्वर्जन इजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं, मालूम है ना, सिंपल सिंपल, हार्ड नहीं। ये सिस्टम ने ऊपर के जितने भी सिस्टम है सबको रिप्लेस कर दिया है। लास्ट पॉइंट पढ़ो, इट हैज रिप्लेस्ड ऑल द अदर्स, सिंपल ना, अरे पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, नया थोड़ी समझो, पढ़ाया तुमको केमिस्ट्री में, चीज आया हुआ है, समझा। नेक्स्ट पढ़ो क्या, ये भी पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया है, जो क्वांटिटी अपने मेजरमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। एक बार फिर से, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो खुद के मेजरमेंट के लिए कोई और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहता उसको बोलते हैं फंडामेंटल, पढ़ा है ना। द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, इजी है ना, ये भी पढ़ा हुआ चीज है, पढ़ा है ना ये सब चीज। पढ़ो पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फिजिकल फंडामेंटल ना, अच्छा मैंने फिजिकल लिख दिया, आर नोन एज बोलो यहाँ पे क्या आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज ना, चेंज कर लेते हैं। तुमको याद है कितना फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, 7 होता है ना, पढ़ा है ना सब लोगों ने, बड़ा। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद है क्या तुमको, पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में पढ़ाया था ये सब चीज ना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ क्या है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पढ़ाया ना ये सब चीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, बराबर है, पढ़ो ध्यान दो। देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन सा है,
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस, इंटेंसिटी, बराबर है? याद रहेगा? हाँ, समझा फंडामेंटल, पढ़ा हुआ है, क्या समझने का, इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज है ना ये तो, बराबर। ये था फंडामेंटल क्वांटिटी, अब पढ़ने जा रहे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट रहेगा वो फंडामेंटल यूनिट, जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट हुआ, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट हो गया, समझा? अरे फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, सिंपल, समझा? द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट, सिंपल है, पढ़ो। द यूनिट यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट, इजी, समझा ना? इजी है। चलो नेक्स्ट, ये सब पढ़ा हुआ चीज है, मालूम है ना? टेबल दिखाई दे रहा है पूरा, साथ का साथ याद होना चाहिए तुमको। बताओ पहला क्या है, फर्स्ट कॉलम पहला वाला, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ के जो बताओ, एक ऐसा यूनिट है, और बाद में उसका सिंबल लिखना पड़ेगा, मीटर में तो पूरा लिखना पड़ेगा, METRE डबल METRE, बराबर। सेकंड क्या है, किलोग्राम, पूरा किलोग्राम लिखो स्टेटमेंट में। सेकंड, फिर थर्ड, सेकंड, समझा? सेकंड पूरा लिखना पड़ेगा ऐसा, फिर केल्विन, KELVIN, बराबर। आगे, अरे किसका है क्या, देख के डायरेक्ट बोल रहे हैं, याद है क्या, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। आगे लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला होता है, पढ़ा है सब चीज, कैंडिला, बराबर। और लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इधर कंफ्यूजन होता है, मोल का पूरा लिखते हैं MOLE, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म में तो उधर MOL आता है, बस ई हटा देने का, दिख रहा है, ई हटा दो बस, समझा? डिराइव क्वांटिटी एंड यूनिट्स, ये पढ़ाया, ये पढ़ा है ना डिराइव। अरे फंडामेंटल का अलग है, फंडामेंटल क्वांटिटी अपने मेजरमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, डिराइव क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है, यही तो पॉइंट है, समझा? द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर दर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, या फिर डिराइव क्वांटिटी, समझा? समझा? अब बोल, देखो डिराइव क्वांटिटी जो है वो दूसरे पे डिपेंड रहेगा, किस पे रहेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी पे रहेगा ना, अरे इसी पर डिपेंड रहेगा ना। लेंथ को मेजर करना है, कोई फॉर्मूला से लेंथ निकाल सकते हैं नहीं, तुमको बराबर टेप लेकर मेजर करना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन नहीं हमारे पास, समझा? समझा डिराइव क्वांटिटी क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो खुद के मेजरमेंट के लिए किस पे डिपेंड रहता है, अदर, अदर में कौन आता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, समझा? डिराइव क्वांटिटी मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड रहता है, समझा? डिराइव क्वांटिटी का जो यूनिट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, समझा? पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी, और उसका यूनिट को क्या नाम देंगे, डिराइव यूनिट्स, एंड द यूनिट ऑफ दिस डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट, सिंपल है ना एकदम, बराबर है? अब एक एग्जांपल, वेलोसिटी का यूनिट निकालना है मेरे को, वेलोसिटी देखो जिसका भी तुमको यूनिट निकालने का है उसका तुमको फॉर्मूला आना चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तुमको वेलोसिटी का यूनिट निकालने का है तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम के यूनिट से, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, यूनिट क्या रहेगा, मीटर, बराबर, टाइम किस में रहता है, सेकंड, देखो ना यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो मीटर अपॉन सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड, एक ही बात है ना, अरे इसको ऐसा लिखा जा सकता है, समझा? अगर तुमको मोमेंटम का ऐसा यूनिट निकालना है, किसका, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्या रहता है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला, हार्ड नहीं है, बराबर। तो अगर तुमको मोमेंटम निकालने का है, मोमेंटम का ऐसा यूनिट निकालने का है, तो किसके ऐसा यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ, मास के ऐसा यूनिट को तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, क्यों करना पड़ा, अरे फॉर्मूला है वैसा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहेगा, यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, सिंपल, यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट कितना होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम लिख दिया, वेलोसिटी का यूनिट तो पहले ही निकाला मैंने, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, समझा? याद नहीं रखने का है इसको, समझा? खाली कंसेप्ट समझो, समझा क्या है डिराइव क्वांटिटी और डिराइव यूनिट्स, और बहुत सारे निकाल सकते हो, बताओ कोई और दूसरा निकाल के दिखाओ तुमको, फोर्स का निकालो, फोर्स, वैसे फोर्स का एक तो न्यूटन होता है, एक दूसरा भी बता दो, देखो फोर्स का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर। अच्छा उससे पहले तुमको एक्सेलरेशन आना चाहिए, एक्सेलरेशन का जरा फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, बेसिक फॉर्मूला, बराबर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो अगर तुमको एक्सेलरेशन का यूनिट चाहिए तो तुम्हारे पास वेलोसिटी का यूनिट होना चाहिए, है क्या वेलोसिटी का यूनिट, ये क्या निकाला, किधर गया, ये क्या वेलोसिटी का यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बताओ, मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट बताओ सेकंड, सेकंड नीचे वन ऊपर गया तो रेस टू माइनस वन, पहले से रेस टू माइनस वन, बोलो कितना हो गया, मीटर सेकंड रेस टू माइनस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट है, समझा? ये डिराइव क्वांटिटी है, अरे डिराइव है ना, डिराइव क्या फॉर्मूले से बनाया तो डिराइव क्वांटिटी, समझा? फोर्स का चलो निकाल के दिखाऊं, फोर्स का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू
दोनों देखो फॉर्मूला आना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको यूनिट भी याद होना चाहिए कुछ कुछ, बराबर। जैसे कि मास का यूनिट बताओ क्या होता है, मास का यूनिट, मास का यूनिट किलोग्राम, बराबर ना। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन भी होता है, बराबर ना। याद रहे कैसा है, डिराइव समझा कैसे डिराइव कर रहा है, और कुछ बताओ क्या, और कुछ डिराइव करके, और बताओ कुछ क्वांटिटी बताओ तो कर दूँ। काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन निकालो, वर्क, वर्क डन का फॉर्मूला याद है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी तो जस्ट मैंने फोर्स का यूनिट बनाया, डाल दो इधर फोर्स का यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ना लेंथ रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट निकाला ना अपन ने मीटर, बरा तो इंटू में क्या आएगा मीटर, एक पहले से मीटर और एक मीटर आ गया, बोलो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इज टू माइनस टू। इसी को जूल भी बोलते हैं, अरे वर्क का यूनिट जूल भी होता है, मालूम है तुमको, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है वैसा। समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे डिराइव्ड, ईजी है, हार्ड वेट नहीं है, समझा, समझ गया ना। चलो अब आते हैं रिटर्न, हम लोग उसको पढ़ो, उसके आगे क्या है, सप्लीमेंट। देखो सिर्फ फंडामेंटल और डिराइव यूनिट नहीं होता, फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी नहीं होता है, सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज भी रहता है। चलो शॉर्ट पर सिखाता हूँ, इतना कुछ हार्ड नहीं। देखो एंगुलर मेजरमेंट तो सिखाया है तुमको मैंने, एंगल एंड मेजरमेंट, बराबर। समझो ये लेंथ ऑफ आर्क है जिसको एस से डिनोट करते हैं, बराबर एस ना, लेंथ ऑफ आर्क, इधर एक एंगल बनता है, ये सर्कल का एक पार्ट रहता है ना, तो ये मेरे रेडियस रहेगा। याद है एंगुलर मेजरमेंट एक फॉर्मूला पढ़ाया था, S इज इक्वल टू आर थीटा रेडियन ना, याद रहेगा तुमको, बरा समझा, अरे पढ़ाया पढ़ाया ना ये सब चीज़, ये तुमको उसमें भी आया रहेगा, फिजिक्स में भी आ चुका है बहुत बार, बरा। इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना इसको, थीटा पढ़ाया था ना उधर, एस बाय आर होएगा, तो ये थीटा है ना, इसी को बोलते हैं प्लेन एंगल, क्या बोलेंगे इसको, बरा प्लेन एंगल। अब ये स्मॉल रहेगा, अगर समझो स्मॉल है, स्मॉल लेंथ ऑफ आर्क है, तो वैसे एस मत यूज़ करो, एस मतलब यहाँ पर फिजिक्स में एरिया वगैरह हो सकता है, बराबर ऐसा, वैसे अपने मन पे जो लिखने का यूज़ करो। यहाँ पे दिया है डी थीटा बाई डी आर, डी थीटा समझाता है, डी थीटा क्या रहेगा, हाँ अगर समझो ये थीटा तुम्हारे लिए एंगल, अगर मैं इसको स्मॉल कर दूँ डी थीटा क्या रहेगा, स्मॉल एंगल डी थीटा, बराबर। फिर इसको अगर ये डी थीटा को मैं अगर मैं आर से डिवाइड कर दूँ, डी थीटा को किससे डिवाइड कर दे रहे हम लोग, आर से, ये दिख रहा है ये, तो समझो इस टाइम पे तुम्हारा ये जो थीटा है ये बन जाएगा डी थीटा ना, अरे मैंने चेंज कर दिया बरा, तो मैंने इसको अलग करके रखा है। मेरे को प्लेन एंगल का मतलब बता रहा, देखो प्लेन एंगल का मतलब क्या है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है डी थीटा बाय आर, मेरे पास डी थीटा है ना, क्या अलग किया ना, आर से डिवाइड करो दोनों साइड, तो क्या बनेगा डी थीटा बाय आर इज इक्वल टू एस बाय, और एक आर आएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला बरा। इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, क्या बोलेंगे इसको, प्लेन एंगल। चलो पढ़ते पढ़ो क्या, प्लेन एंगल रेशियो है, रेशियो है ना, रेशियो है, प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल टू द, एक मिनट, एक मिनट, कुछ तो शायद मिस्टेक हो गया, जरा टेक्स्ट बुक दिखाओ, इधर क्या है, डी थीटा, हाँ मैंने शायद गलत दिया, इस इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, हाँ इधर गलत लिख दिया मैंने, वही लिखा ऐसा अलग हो गया कैसा, देखो जो पहले बताया था ना वही राइट है, मैंने उसको यहाँ पे देख के चेंज कर दिया बताने के टाइम पे, इधर देखो जो तुमको पहले बताया था वही राइट था, एक बार फिर से देखो, प्लेन एंगल पढ़े ना, नाम में ही है एंगल, तो एंगल रहेगा ना, मैंने तुमको अलग बता दिया वहाँ पे, देखो फिर से एक बार, सर्कल बरा, एक छोटा सा लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे लेते हैं और सेंटर पे ये कुछ तो एंगल बना रहा है बरा, यहाँ पे ऐसा, अगर मैं इसको स्मॉल लेंथ लूँ डी एस, तो एंगल भी स्मॉल ही रहेगा डी थीटा, बराबर ना, रेडियस तो आर ही रहता है, समझा, लेंथ याद है, एंगल एंड मेजरमेंट हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल एंड मेजरमेंट में लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है आर इंटू ये डी थीटा जो रेडियन में होना चाहिए ना, ऐसा अगर मुझे डी थीटा चाहिए तो बोलो क्या आएगा फॉर्मूला, डी एस बाय आर, ये है प्लेन एंगल, यही पहले बताया था, बाद में उधर देख के मैंने चेंज कर दिया, समझा, पहले यही बताया था मैंने, ये नाम में समझना, प्लेन एंगल मतलब एंगल रहेगा ना, समझा, तो प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल इज द रेशो, रेशो, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, डी एस मतलब लेंथ ऑफ द आर्क है ना, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, समझा, सिंपल सिंपल, चलो पढ़ते पढ़ो, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, अरे लेंथ ऑफ आर्क भी किसका है, सर्कल का है ना, और रेडियस भी किसका है, सर्कल का है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सिंपल है बराबर,
ये क्या है, ये एंगल कहां बनता है, सेंटर में बनता है ना, सेंटर में बनता है। सेकंड पॉइंट, 10 पढ़ो, 10 हाँ 10 डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर, ये क्या है, एक एंगल है, कहां बनता है, सबस्टेंडेड बायन, अच्छा आर्क ने बनाया ये एंगल ना, अरे आर्क ने बनाया, कहां बनाया, सेंटर बनाया, सबस्टेंडेड बायन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर, मालूम है हमको, ये सब सिंपल चीज है। इसका यूनिट रहता है रेडियन, पढ़ा ना तुमको एंगल मेजरमेंट रेडियन में कन्वर्ट करने सीखा, अगर डिग्री दिया रहेगा तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनटू करते हैं, किससे, पाई बाय 180 से ना, बराबर, तो ऐसा यूनिट रहेगा रेडियन। पढ़ो थर्ड पॉइंट, इट इज मेजर्ड इन रेडियन, शॉर्ट फॉर्म में आर ए डी रेड भी लिख सकते हैं, सिंपल है। लास्ट, एन एंगल थीटा इन रेडियन इज डिनोटेड बाय, ऐसा ऐसा डिनोट करेंगे, अबले सर ये तो ऐसा कर दिया, अरे स्मॉल एंगल है बराबर, और ये कुछ ज्यादा बड़ा एंगल रहेगा तो इसके लिए थीटा ले लिया यहाँ पे, सिंपल। समझा पॉइंट क्या है, प्लेन एंगल, अरे समझा नहीं क्या, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है, जो डी थीटा है। अब इसी को अगर मैं थ्री डायमेंशन में एज्यूम करूँ तो वो बन जाएगा सॉलिड एंगल, जो नेक्स्ट टॉपिक है बराबर। अगर ये पहले क्या था, सर्कल, अब स्पीयर इमेजिन करो, स्पीयर समझा, स्पीयर के सरफेस पे समझो, समझो कुछ ये ऐसा स्पीयर है और इसके सरफेस पे मैं एक छोटा सा एंगल यहाँ पे ले, ये छोटा सा एक सरफेस लिया समझो, इसके सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस दिया, स्पीयर के सरफेस पे क्या लिया मैंने, एक छोटा सा सरफेस रहेगा ना, स्पीयर सरफेस रहेगा, उसमें छोटा सा कोई तो सरफेस ले लिया, ये कुछ तो एंगल बनाता रहेगा ना स्पीयर के सेंटर में बराबर, ये कुछ तो एंगल बनाता रहेगा ना स्पीयर के सेंटर में, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल, क्या रहेगा वो, सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो प्लेन एंगल, स्पीयर के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल, सिंपल समझा। ये एंगल है किसके बीच का, ये एंगल किससे बना है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस से बना है। अब ये जो बनाने जा रहे हैं इसको डिनोट हम लोग किसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डी ओमेगा से, इसको क्या बोलते हैं, डी ओमेगा बराबर, ये ओम का जो साइन है ना इसको बोलते हैं डी ओमेगा बराबर, समझा, इसको इससे डिनोट करते हैं, ऊपर याद है डी थीटा था ना, हाँ। तो सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल इसी का एनालॉगस फॉर्म है, थ्री डायमेंशन एनालॉगस, समझ में आता है, सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से एनालॉगस होता है वैसे ही सॉलिड एंगल प्लेन एंगल से कैसा रहता है, एनालॉगस, और ये इस चीज का कौन सा फॉर्म है, थ्री डायमेंशनल फॉर्म। चलो पढ़ो पहला पॉइंट पढ़ो तो समझे, पढ़ो, दिस इज द थ्री डायमेंशनल एनालॉग ऑफ डी थीटा, डी थीटा का ही ये थ्री डायमेंशनल एनालॉग है बराबर। अब आगे पढ़ने से पहले मैं तुमको समझा दूं जरा वहां पे है क्या, देखो देखो, तो यहाँ पे इसका जैसे मैंने यहाँ पे था फॉर्मूला बनाया था ना, वैसे इसका भी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया, जो भी तुमने सरफेस लिया है, समझो मैंने डीएस का सरफेस ले लिया, समझा, ये डीएस इधर सरफेस एरिया है और ये डीएस क्या है बताओ, लेंथ ऑफ आर्क, फर्क क्या है दोनों में, समझ आ रहा है, चाहे तो डीए ले लो, उसमें क्या है, डीए ले लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा बराबर। तो डीए हमारा क्या बताओ, स्मॉल सरफेस एरिया ऑन द सरफेस ऑफ स्पीयर, जब मैं इसको डिवाइड करेगा स्पीयर के रेडियस से और उसके स्क्वायर से, बता अच्छा मैं स्क्वायर ऑफ रेडियस से डिवाइड करेगा तो बनता है फॉर्मूला सॉलिड एंगल का, याद रहेगा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, अरे प्लेन एंगल याद है क्या, डीएस अपॉन आर, सॉलिड एंगल डी अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल है समझा। ये भी रेशियो है किसका, स्मॉल एरिया का, स्मॉल एरिया का रेशियो राइट, ये स्मॉल एरिया किसका एरिया बताओ, एक्चुअल में स्पीयर के ऊपर का छोटा सा एरिया है ना, और किससे डिवाइड किया बताओ उसको, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्पीयर, सर्कल का रेडियस नहीं है वो, स्पीयर का है, समझा। चलो पढ़ते पढ़ो क्या किधर, इधर हाँ, दिस इज द थ्री डायमेंशनल एनालॉग ऑफ डेटा एंड इज डिफाइंड कैसे करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्पीयर, ये लिख रहा है एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्पीयर डी ए बराबर। आगे इधर मैंने रेशियो नहीं लिखा ना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ना, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्पीयर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्पीयर, देखो ना अरे इजी है, इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्पीयर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्पीयर, सिंपल ना, हार्ड नहीं समझा। तो डी ओमेगा मतलब क्या है तुम्हारा, सॉलिड एंगल, डी ओमेगा को क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, डी थीटा मतलब क्या है, प्लेन एंगल, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, इसका यूनिट होता है स्टी रेडियन, क्या रहेगा, स्टी रेडियन। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा फॉर्मूला दिया देखो, फॉर्मूला भी गलत लिख दिया है, डी ए अपॉन क्या है बताओ, डी ए अपॉन पढ़ो क्या है, आर स्क्वायर बराबर, हाँ। तो दस डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाय आर स्क्वायर इज द सॉलिड एंगल, कहाँ बनेगा ये भी सेंटर में बनेगा, किसका सेंटर, सर्कल की स्पीयर, स्पीयर 3D में देख रहे हैं, और पहले किसका सेंटर था, सर्कल, फर्क समझो जरा बराबर, हाँ। सब्सटेंडेड बाय द एरिया डी ए एट ओ, ओ मतलब क्या रहेगा तुम्हारा, सेंटर ऑफ द स्पीयर ना, सेंटर ऑफ द स्पीयर, या तो बोल लिख देता हूँ डी ए एंगल सब्सटेंडेड, हाँ सब्सटेंडेड बाय डी ए एट सेंटर ऑफ स्पीयर,
स्फीयर के सेंटर में बना है। तुमको बताया ना इसका एसआई यूनिट बोलो क्या रहता है, स्टी रेडियन, रेडियन तो ये स्टी रेडियन। पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेजर्ड इन स्टी रेडियन एसआर से डिनोट, जैसे रेडियन को आर एडी से डिनोट किया था, अभी क्या आएगा स्टी रेडियन एसआर से डिनोट। नेक्स्ट, अ स्फीयर हैज अ सरफेस, अच्छा जो डेरिवेशन, चलो डेरिवेशन बता दो जरा, इधर देखो थोड़ा पीछे पीछे करता है यहाँ पे, ऐसा समझो जरा चीज को। देखो तो डेरिवेशन में क्या आएगा, तुमको एक स्फीयर दिया, स्फीयर मेंसुरेशन तो पढ़ाई रहेगा टेंथ में, पढ़ाया ना सब उन्होंने, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितने का रहता है, स्फीयर का पूरा टोटल सरफेस एरिया, अरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, क्या साइंस पढ़ रहे तुम लोग, 4πr² होता है बराबर, 2πr तो सर्कल का सर्कमफेरेंस रहता है बराबर। एक स्फीयर का पूरा, देखो पहले मैंने स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया लिया था dA, अब मैं पूरा अखा स्फीयर ले रहा और पूरे अखे स्फीयर के लिए मैं क्या निकालने जा रहा है, सॉलिड एंगल बराबर। देखो सॉलिड एंगल छोटा एरिया dA के लिए बोलो कितना है, dA अपॉन r² पूरा, पूरा चाहिए पूरा, तो तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, अरे छोटा था तो डी ओमेगा था, बड़ा चाहिए, बड़ा करने के लिए हमेशा इंटीग्रेट करते हैं, अगर तुमको पूरा एरिया समझो पूरा ओमेगा चाहिए, ओमेगा मतलब क्या रहेगा सॉलिड एंगल फॉर होल स्पीयर, डी ओमेगा क्या है सॉलिड एंगल फॉर स्मॉल एरिया डी ए, डी ए के लिए ना सॉलिड एंगल, और ये किसका सॉलिड एंगल पूरा स्पीयर रखा स्पीयर के लिए, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको तुमको इसका फॉर्मूले के लिए तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको छोटे चीज को इंटीग्रेट तभी तो बड़ा मिलेगा ना, डी ए को डी ओमेगा को इंटीग्रेट, इसको ओमेगा बोलते हैं बराबर, समझा, चलो इंटीग्रेट करो, इधर लिखा हुआ है मैं जस्ट इधर बता रहा हूँ, चलो फॉर्मूला बताओ डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, डी ओमेगा का फॉर्मूला बताओ क्या है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर बराबर है, राइट ना, आर रेडियस ऑफ स्फीयर तो कॉन्स्टेंट रहता है ना, रेडियस थोड़ी चेंज होता है, तो आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लूं, बोलो अरे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लिमिट से हमेशा कॉन्स्टेंट बाहर आता है, आर स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ dA, dA मतलब छोटा एरिया है, पूरा इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा पूरा बड़ा एरिया आ जाएगा, और स्पीयर का पूरा एरिया कितना रहता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA का बोलो आंसर क्या रहेगा 4πr, इंटीग्रेशन ऑफ dA मतलब छोटे एरिया को तुम लोग बड़ा एरिया कर रहे हैं, और बड़ा एरिया तुमको पहले से मालूम है, तो बताओ ये हट जाएगा ना पूरा इतना पार्ट, और बोलो इसके जगह पे क्या आएगा 4πr² और नीचे क्या है r² गया, तो पूरे स्पीयर के लिए सॉलिड एंगल कितने का रहता है 4πr, वही लिखा देखो ये डीआई वही किया रही जो इधर लिखा है वही लिखा है, देखो ना यहाँ पे कुछ नया नहीं है, समझा, खाली करके बताया तुमको कैसा होता है, समझा, याद रहेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया अपने, उधर भी तुमको सिखाया था सॉलिड एंगल, नहीं सिखाया शायद 12th में रहेगा, ठीक है चलो समझा क्या है सॉलिड एंगल क्या है, अरे ये 3-dimensional एनालॉग है किसका, डी थीटा ना, प्लेन एंगल का, समझा, ये एक एंगल है जो कहाँ बनता है स्पीयर के सेंटर पे, किसकी वजह से बनता है, एक स्मॉल एरिया की वजह से, वो स्मॉल एरिया कहाँ पे रहता है स्पीयर के सरफेस पे रहता है, और उसको डिवाइड करना पड़ता है तुमको r² से ना, याद रहेगा, बोलो क्लियर, चलो अब अभी तो थियरी पॉइंट है, थियरी टेक्स्टबुक से देख के पढ़ेंगे, पढ़ो क्वेश्चन पहले पढ़ लो क्या, कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, देखो अभी धीरे धीरे आगे के जा रहे हैं, अभी एक्चुअली तो थियरी थियरी है तो कोई भी पढ़ लेगा, समझे, अभी मजा आगे आएगा तुमको यहाँ पे, देखो तो जब भी एसआई यूनिट लिखेंगे कुछ तो रूल है, वो रूल फॉलो करने का तो ही तुम लोग प्रॉपर तुमको फुल मार्क्स मिलेगा लिखने के टाइम पे यूनिट, कुछ रूल्स है एकदम बड़ा बड़ा, चलो पढ़ते फटाफट, पेज नंबर 2 पे आओ, देखो इधर लिखा है मैंने आंसर, टेक्स्टबुक पेज नंबर 2 फुल आंसर जितना भी दिया सबका सब पॉइंट तुमको पढ़ना पड़ेगा, मैं मतलब समझाएगा बाकी याद करने का काम तो तुम्हारा है, समझा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे बताओ हम लोग, कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ, कैसे यूज करने का ऐसा यूनिट वो पढ़ने जा रहे हैं बराबर, समझा, चलो पढ़ते हैं वन बाय वन पढ़ते हैं, सुनो मैं बोलता है सुनो फिर समझो, देखो क्या मालूम है कहाँ पे इसका आंसर, टेक्स्टबुक का पेज नंबर 2 पे, ये देखो मिलेगा तुमको वहाँ पे, कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, बड़ा है ना, बड़ा रहेगा बराबर, चलो पढ़ते देखो क्या, यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल, तुम लोग एसआई यूनिट METRE लिखेंगे रॉन्ग मिलेगा, एसआई यूनिट में स्मॉल m लिखना पड़ेगा, कभी भी एसआई यूनिट ऐसा नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखते, कैसे लिखेंगे उसके सिंबल से लिखते, समझा, देखो ना मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा, मैंने ऐसा लिखा क्या मीटर METRE फिर SCOND रेस टू माइनस, मैंने ऐसा लिखा क्या, नहीं ना, मैंने मीटर सेकंड रेस टू, समझा कैसे लिखा है, हमेशा ऐसा यूनिट को उसके सिंबल के हिसाब से लिखो, सिंबल लिखो, समझा बोलने का मतलब ये, पहला पॉइंट समझा, अरे बोलो एक्टिव है कि नहीं, सो रहा है ऐसा लग रहा है, सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या, फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, समझा, कभी भी तुम लोग कोई भी चीज का फुल नेम लिख रहे हो तो कभी भी स्टार्टिंग का लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल, समझा, समझा क्या, आ गया और पढ़ो, इतना ही नहीं है, इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन, समझा, चाहे वो साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो तुमको पहला लेटर क्या लिखना है, स्मॉल, न्यूटन भी रहेगा तो कैपिटल NEWTON नहीं, स्मॉल NEWTON, समझा,
याद रहेगा? अरे बोलो, पहला पॉइंट याद है? कभी भी पूरा ऐसा मत लिख देना, क्या लिखेंगे हम लोग? सिंबल, पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, अगर पूरा साइंटिस्ट का नाम है तो पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। आगे आगे पढ़ो। जैसे दिया एग्जांपल, 1 न्यूटन में देखो स्मॉल है, एन को स्मॉल कर दिया, बरा 1 जूल में जे को स्मॉल कर दिया। बट अ सिंबल फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर, एग्जांपल एन फॉर द साइंटिस्ट। देखो यहाँ पे लिखा है, अच्छा शायद वहां पे गलत हो। देखो जो अपने पढ़ा है ना, यहाँ पे किधर गया, एक मिनट का पूरा पढ़ के सुनाता हूं, सुनो क्या। फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन, एग्जाम्पल 1 न्यूटन, 1 जूल एक्सेट्रा, बट द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा होगा, देखो तुमको क्या, अगर समझो तुम लोग लिख रहे हैं वहां पे, देखो फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉलर लेटर, इसका मतलब क्या, अगर तुम लोग यूनिट का फुल नेम लिखने जा रहे हो, फुल नेम कभी लिखने जा रहे हो तो उसको कैसे लिखेंगे? पहला लेटर स्मॉल। कभी इनकेस फुल नेम लिखने जा रहे हो तो, वैसे देखने के हमेशा ऑलमोस्ट लिखने टाइम हम लोग मोस्टली सिंबल यूज करते हैं, समझा? देखो इधर देखो, देखो ना यहाँ पे, वैसे मैंने ये ए इधर कैपिटल लिख दिया ना तुम्हारे टेस्ट में, देखो कैसे दिया है, दिया है क्या तुम्हारे टेस्ट में? टेबल है क्या, टेबल की नहीं है, स्मॉल ना। हाँ देखो ये, देखो इधर सब, बराबर समझ आया वो पॉइंट का मतलब क्या है? कभी इन केस तुम फुल नेम लिखने जा रहे हो तो फुल नेम में पहला लेटर स्मॉल, समझा? और अगर तुम लोग फुल नेम से सिंबल बनाने जा रहे हो, समझा, फुल नेम तुम्हारे पास है और उसे क्या बना रहे, सिंबल, और अगर वो फुल नेम साइंटिस्ट का है तो उस टाइम पे सिंबल तुम्हारा कैपिटल आना चाहिए। कंफ्यूजन है, देखो मैं क्या बोला, फुल नेम लिख रहे हो तो पहला लेटर small. लेकिन फुल नेम से अगर तुम लोग सिंबल लिखने जा रहे और वो फुल नेम कोई साइंटिस्ट का नाम है तो वो सिंबल तुम्हारा क्या रहेगा, कैपिटल। तो न्यूटन के लिए कैपिटल एन, समझा? समझा पॉइंट का मतलब क्या है? अरे राइट बताया था, कुछ राइट नहीं बताया, समझा? एक बार फिर से पढ़ के सुना, देखो क्या, फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन, समझा? एग्जांपल 1 न्यूटन, इसका मतलब क्या, कभी तुम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रहे फुल नेम में, अगर मैं फुल नेम, समझो मेरे को न्यूटन ही लिखना है, मुझे न्यूटन लिखना है, दो ऑप्शन है, अगर मैं फुल नेम लिख रहा है तो पहला लेटर स्मॉल, एन ई डब्ल्यू टी ओ एन, अगर मैं सिंबल लिख रहा है तो, यही तो मतलब है उसका। अगर मैं जूल लिख रहा है, जूल, जूल भी एक यूनिट है, तो अगर मैं पूरा ऐसा लिख रहा हूँ ऐसा, तो बोलो कैसा लिखो, स्मॉल जे ओ यू एल ई, लेकिन सिंबल लिखू तो कैपिटल जे, समझा? यही मतलब है। चलो आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, पढ़ो क्या, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सिंबल फॉर द यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल्स, बरा, फ्रॉम एग्जांपल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन 20 न्यूटन एंड नॉट 20 न्यूटन्स और 20, समझा रहे क्या, प्लूरल फॉर्म समझा था, प्लूरल, अरे न्यूटन तो न्यूटन्स नहीं, न्यूटन, जूल जूल्स नहीं, जूल, समझा? 3 याद रहेगा, पहला पॉइंट बोलो क्या था, सिंबल यूज करने का, सिंबल, सेकंड, अगर कभी ऐसा कुछ लिखा है तो पहला लेटर स्मॉल, और अगर इससे तुम लोग सिंबल बनाने जा रहे हो और जो स्टेटमेंट है जो ऐसा वाला पार्ट वो साइंटिस्ट का नाम है तो सिंबल कैपिटल, समझा? थर्ड पॉइंट, जब भी लिखेंगे प्लूरल फॉर्म नहीं यूज कर सकते, न्यूटन के लिए कैपिटल एन लिखने का, एन और बाजू में छोटा एस नहीं, न्यूटन्स नहीं, कैपिटल एन, न्यूटन, समझा? 4th पढ़ो क्या, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द रिकमेंडेड लेटर, एग्जाम्पल 25 kg अगर मुझे लिखना है तो मैं 25 लिखेगा, 25 बराबर, और के जी डॉट नहीं डालने का, खत्म हो रहे तो भी डॉट नहीं डालना, समझा? जब भी एस आई नोट लिखेंगे तो लास्ट में डॉट भी, समझा? 4 पॉइंट याद है, पहला पॉइंट याद है सिंबल, सेकंड स्टेटमेंट ऐसा टाइप लिख रहे हैं तो पहला लेटर स्मॉल, अगर साइंटिस्ट के नाम से तुम लोग सिंबल बना रहे तो पहला लेटर कैपिटल, न्यूटन का एन कैपिटल, जूल का जे कैपिटल। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा याद है क्या, प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करने का, न्यूटन्स नहीं, जूल्स नहीं, जूल और न्यूटन, ऐसा। 4th पॉइंट याद है, ऐसा यूनिट के बाद फुल स्टॉप नहीं डालने का, समझा? 5th पॉइंट, The unit of physical quantity in the numerator and denominator should be written as a 1:1. Example, SI unit of the acceleration meter. देखो इसका मतलब मैं तुमको सिखाता हूँ। देखो, अपन ने acceleration की तो निकाला था ना? याद है acceleration का unit क्या आया था? बताओ formula क्या था? बताओ acceleration का? V by T, velocity by time. V का बताओ unit क्या होता है? Meter per second. Time का? ऐसा नहीं लिखने का SI unit. कैसे लिखने वाले मैं? Meter upon second square. ये चल जाएगा. समझा? या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी चल जाएगा, मतलब रेशियो में नहीं आना चाहिए, दिख रहा है ऐसा,
अरे रेशो का भी रेशो है, देखो ना यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही रेशो रखो चलेगा, बोलने का मतलब एक रेशो रखो, समझ में आया? देखो सिंपल, उधर बाजू में एग्जांपल भी दिया उन्होंने, उधर बोला है इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऐसा लिखा है बराबर, और दूसरा कैसा लिखा है, या तो ऐसा लिखो बट नॉट एज, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो टेक्स्ट में क्लियर बोल लिखा है ना वहाँ पे ऐसा, अरे ये चल जाएगा ये भी चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, रेशो रेशो नहीं होना चाहिए, एक ही रेशो रखो, समझा, एक ही अपॉन रखो, समझा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट सिक्स पढ़ो क्या है, Use of combination of units and symbol for the unit is avoided when the physical quantity is expressed by a combination of two. Example, देखो कैसे यहाँ पे joule per kg kelvin is correct while joule kg kelvin, इसका मतलब बताता हूँ, इसका मतलब क्या, देखो समझो joule per kg per kelvin, ये दिख रहा है, ये ऐसा ये एक यूनिट है, joule upon kg एक ही रेशो है ना, अरे एक ही रेशो है बराबर, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, पहली बात तो स्मॉल लेटर है यहाँ पे, अरे जब पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे तो ऐसा होगा, जूल पर केजी पर केल्विन, ये चलेगा क्या? क्यों नहीं मालूम है, कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हो तुम लोग, एक बार ऐसा दिख रहा है ऐसा लिख रहे हो, सिंबल नहीं लिख रहे हो, और एक बार सिंबल लिख रहे हैं, एक ही लिखो सिंबल लिखो, समझा, अरे इजी ना रोल, हार थोड़ी है। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो क्या है, अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर अ सिंबल्स ऑफ द यूनिट, प्रीफिक्स प्रीफिक्स समझ आता है क्या, प्रीफिक्स समझ आ रहा है, प्रीफिक्स जैसे मिली सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड होता है, नैनो सेकंड होता है, गीगा, समझा, ऐसा कुछ बता, पढ़ते चलो क्या, द प्रीफिक्स सिंबल एंड द यूनिट शुड कंस्टिट्यूट अ न्यू सिंबल ऑफ यूनिट विच कैन बी रेज टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर, ठीक है चलो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो बोलने का मतलब है, मतलब समझा देता हूं, बाकी तुम लोग वो थियरी पढ़ ही लेंगे ना, देखो 1 मिली सेकेंड बता चलेगा, मिली क्या होता है 10^-3 और सेकेंड, समझा, बोलो 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो मतलब मालूम है क्या होता है 10^-6 बरा 10^-6 सेकेंड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 नैनो सेकेंड, नैनो मतलब मालूम है कितना होता है 10^-9 बरा 10^-9 सेकेंड चलेगा, ये सब चलेगा बरा, अब देखो मैं इसका वो फॉर्म लिखता हूँ जो चलेगा नहीं, चलेगा वो समझा क्या, हाँ ये सब चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, मैं इसको अलग फॉर्म में लिखता हूँ, इसी चीज को अलग फॉर्म में लिखता हूँ, तुमको 10^-6 से मतलब है ना, 10^-6 से मतलब, देखो मैं 10^-6 कैसे लिखा था, देखो 1 मिली सेकेंड चलेगा, मिली मतलब कितना होता है 10^-3, ये मिली मतलब 10^ हो गया ना 10^-6, आंसर राइट है लेकिन ये तरीका गलत है लिखने का, समझा क्या नहीं चलना चाहिए, बोलो, अरे इजी है, नैनो में 10^-9 तुमको 10^-9 से मतलब है ना, देखो 1 माइक्रो मिली सेकेंड आंसर वही आएगा, माइक्रो मतलब कितना 10^-6 मिली मतलब 10^-6 -3 होता है लेकिन ये तरीका कैसे मानो पड़े तुमको गलत सही, अरे दो दो नहीं आना चाहिए, एक ही लेके आओ ना, समझा रहेगा ना, बोलो समझ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते चलो, लास्ट क्या है, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिट्स, चलो मतलब बता दो, ये इतना पढ़ के कोई मतलब नहीं है, देखो जब भी तुम लोग यूनिट्स लिख रहे हो यूनिट्स बराबर, तो उस टाइम पे क्या यूज करो, या तो हाइफन यूज करो या तो थोड़ा सा वहां पे स्पेस होना चाहिए बराबर, मतलब क्या, देखो समझो तुमको लिखना है मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिखना है तो मीटर पर सेकेंड ये गलत है, देख रहे जैसे मैंने लिखा है ये गलत है, सही क्या है फिर, मीटर पर सेकंड ये सही है, वैसे दोनों तो सही है, दोनों सेम चला, अरे थोड़ा गैप है इधर बीच में, थोड़ा गैप दिखना चाहिए, ये क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिली सेकंड रेस टू माइनस वन हो जाएगा, समझा, अरे नजदीक नजदीक लिखा है तो ये मिली पकड़ लेंगे उसको, जबकि वो था मीटर, समझा क्या, कैसा प्रॉब्लम क्या होता है, समझा, थोड़ा दूर लिखो या तो बीच में हाइफन डाल दो, ऐसा है, समझ आ रहा है, समझा कैसा है रूल, समझा क्या क्या यूज करने का, इजी है ना, पढ़ लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, बराबर ना, मतलब समझ आ गया ना, बाकी तुमको पढ़ना ही है, चलो अब पढ़ते नेक्स्ट, पढ़ो अभी मेन चालू हो रहा है, पढ़ो समझ में आया क्या, बोलो क्या बैठे ऐसी खाली, समझ में आ रहा है, नेक्स्ट पढ़ो क्या, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, मेन अभी चालू होता है डायमेंशन पर, तुमको बहुत बार डायमेंशन निकाल के तो बताया तुमको ना, अब तो डिटेल में देखते हैं डायमेंशन क्या है, देखो इसका डिफाइन पहले आ चुका है क्या, पढ़ा नहीं, ठीक है, डायमेंशन निकाल के दिखाता हूँ एक दो तो तुमको समझेगा डायमेंशन है क्या, चलो डायमेंशन निकाल, डायमेंशन नहीं डायमेंशनल फॉर्मूला, बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए निकालते हैं, वेलोसिटी, सिंपल समझा, देखो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए स्टेप्स है कुछ, तीन स्टेप्स रहता है, पहला फॉर्मूला लिखो, सेकेंड ऐसा यूनिट लिखो, तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे,
डायमेंशनल फॉर्मूला। तीन स्टेप याद है क्या बताओ, पहला स्टेप फॉर्मूला, सेकेंड एसआई यूनिट, थर्ड बस इतना ही। चलो पहले फॉर्मूला लेते हैं, वेलोसिटी का बोलो फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिख दिया फॉर्मूला पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, बनाएंगे एसआई यूनिट। चलो इसका अगर मैं एसआई यूनिट बनाऊं तो एसआई यूनिट आएगा इसका, एसआई यूनिट है, थोड़ा जगह कम है, जरा मैनेज करो। एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, बना दिया बराबर है। अब थर्ड स्टेप में क्या बनाएंगे, डायमेंशन। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसका जो मैं डीएफ लिख रहा है समझ जाओ, डीएफ मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर। इसका जो डायमेंशन रहेगा मीटर, मीटर लिखा है ना, देखो ऐसा यूनिट फॉर्मूला से बनता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा यूनिट से बनेगा। पीछे पीछे जाने का, अगर तुमको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो तुमको यूनिट आना चाहिए, यूनिट आने के लिए तुमको फॉर्मूला आना चाहिए, सब कनेक्टेड है, इससे ये आएगा उससे वो आएगा, समझ आ रहा है ऐसा। तो मीटर मतलब लेंथ, मीटर मतलब लेंथ होता है ना, हाँ, तो मैं ऊपर लिखने वाला हूँ एल वन, मीटर मतलब लेंथ होता है, वन क्यों लिखा, क्योंकि मीटर था उधर, अगर मीटर स्क्वायर होता तो मैं एल टू लिखता था वहाँ पे, समझा, अरे बोलो हाँ। अगर मीटर क्यूब रहता तो एल थ्री, समझा, एल प्लस टू थ्री, वैसा अभी तो ऐसा है। नीचे बोलो क्या है, सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट है, देखो यूज़ क्या करना है, सुनो मीटर दिखा तो लेंथ यूज़ करेंगे एल, किलोग्राम दिखा तो यूज़ करेंगे मास कैपिटल एम, सेकेंड दिखा तो यूज करेंगे टाइम टी, करंट दिखा एम्पियर दिखा तो यूज करेंगे आई, ऐसा बेसिक बेसिक चीज तुमको याद होना चाहिए बराबर, समझ में आ रहा है। क्या दिख रहा होता तुमको, एम दिखा मीटर दिखा तो मैंने एल वन लिख दिया, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, सेकेंड, सेकेंड के लिए क्या लिखना पड़ता है टी वन अपॉन में टी वन, नीचे टी वन ऊपर गया तो तुम्हारा डायमेंशन बनेगा एल वन, हाँ एम नहीं है ना, फिर भी तुमको एल एम टी लिखना पड़ता है, समझा, वो पावर जो भी रहेगा तुम्हारा रेस्पेक्टिव पावर डाल देना है यहाँ पे बराबर, ऐसा समझा। तुम्हारे टेस्ट में कभी एम एल टी लिख देते हैं, पहले एम लिखते हैं फिर एल लिखते हैं फिर टी, चलता है कैसा भी लिखो तुम्हारी मर्जी बराबर। तो मैंने पहले एल वन लिख दिया, एम है क्या, एम नहीं तो मैं एम को जीरो, और टी नीचे का टी वन तो ऊपर गया, ऊपर वाला लिखने का था माइनस वन, समझा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, समझा। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला अलग होता है, वेलोसिटी को डिवाइड करना पड़ता है बराबर। चलो वेलोसिटी ग्रेडियंट का तुमको निकाल के दिखाता हूं मैं, कहाँ गया, हाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस बराबर। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस लिख देता हूँ। चलो वेलोसिटी का बताओ, अच्छा ये तो फॉर्मूला हो गया, सेकंड स्टेप बोलो क्या निकालते हैं, एसआई यूनिट। बताओ वेलोसिटी का एसआई यूनिट तो पहले से निकाला तुमने, मीटर सेकंड रेस टू, वही हो गया ना मीटर सेकंड रेस टू माइनस वन बराबर। और बताओ दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में देखते हैं, मीटर ना लेंथ है ना, अरे बोलो तो मीटर, मीटर मीटर कैंसल नहीं होएगा, कैंसिल हो जाएगा ना बराबर, मीटर पर सेकंड और नीचे मीटर बराबर, तो कैंसिल हो गया, बताओ बचा क्या, सिर्फ सेकंड रेस्ट माइनस, निकालते डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला वही, क्या बचा है, अच्छा पूरा लिखना पड़ता है, अभी डिनोमेटर कुछ है क्या, तो डायरेक्ट पहले में लिख देता एल एम टी लिख दिया बराबर। एल लेंथ मीटर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं तो जीरो डाल दो। मास के लिए केजी दिखाई दे रहा है क्या, केजी नहीं। टाइम के लिए सेकंड दिखाई दे रहा है क्या, माइनस वन है तो माइनस वन डालूंगा यहाँ पे, समझा। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, सिंपल समझा। डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज के लिए निकालते हैं बराबर, चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला सिस्टमैटिक करता हूँ, थोड़ा जगह मिला मेरे को। देखो पहला, सबसे पहले क्या होना चाहिए, फॉर्मूला, फॉर्मूला आना चाहिए ना तुमको। बताओ फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का, आई इंटू टी, अरे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी रहता है, तो क्यू क्या रहेगा, आता ना इतना तो, हाँ फॉर्मूला लिख दिया। सेकंड क्या लिखते हैं बताओ, एसआई यूनिट बराबर ना, एसआई यूनिट लिखते हैं। एसआई यूनिट बनता कहाँ से, फॉर्मूले से, फॉर्मूले का एलएचएस देखने की, आरएचएस देखने का, आर आंसर देखेंगे ना, आरएचएस देखेंगे। आई करंट का यूनिट क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ए होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, एस बराबर है। थर्ड स्टेप बोलो क्या निकालते हैं, डायमेंशन, डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही बात होता है बराबर, बनाते बराबर। एम्पियर के लिए क्या यूज किया जाता है, आई, समझा, मैं आई लास्ट में लिखते हैं हमेशा, पहले एल एम टी फिर आई लिखो बराबर। एल एम टी लिख देता हूँ, बाद में जो भी पावर रहेगा डाल देंगे उसमें। चलो एम्पियर था, कुछ पावर नहीं मतलब वन पावर है, तो आई के पावर कितना वन आएगी ना, हाँ सेकेंड है, सेकेंड का पावर वन है, किस पे वन डालो बताओ, टी पे वन डाल दो। एल मीटर नहीं दिखाई दे रहा है, किलोग्राम भी नहीं दिखाई दे रहा, जीरो जीरो, समझा, समझा ना बराबर। चलो और कुछ निकाल लेते हैं, पहले सिखा दो फिर कर लेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ पॉइंट इसका, किसका डायमेंशन, वर्क डन का निकालो,
वर्क डन का निकालो। चलो उससे पहले इसका निकाल लेते हैं, फोर्स का निकाल लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन समझ में आ रहा है क्या सबको? बोलो सिस्टमैटिक कर। चलो सबसे पहला क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं वर्क डन ना, नहीं फोर्स लिखा है मैंने। बोलो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फादर इक्वल टू मा बरा एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। सेकंड बोलो क्या होता है सेकंड? एसआई यूनिट निकालते ना, बराबर ना, एसआई यूनिट निकालते हैं, इधर लिख देते हैं एसआई यूनिट। हाँ एसआई यूनिट कहाँ से निकालते हैं? आरएचएस की एलएचएस, आरएचएस मास के लिए क्या लिखा? देखो ना इधर लिखा रहता सब कुछ, मास के लिए केजी, केजी लिखेंगे बराबर। ए ए मतलब एक्सेलरेशन निकाला था कि तो मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखो बिना याद रखे नहीं कर पाएंगे कुछ भी, समझा? तो एक्सेलरेशन क्या रहता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, सेकंड ऊपर गया कितना मीटर सेकंड रेस टू माइनस टू, याद रखो हाँ। एक्सेलरेशन कितना रहता है? मीटर सेकंड रेस टू, ये सब याद होना, याद मतलब करके देख भी सकते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बराबर। तो बन गया ऐसा यूनिट, क्या बनाते हैं बोलो? डायमेंशन। चलो बोलो क्या आएगा डायमेंशन, क्या क्या लिख दो बताओ पहले से? एल एम टी, तुम लोग एम एल टी भी लिख सकते हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देख के इधर नहीं देखने का, इधर से इधर देखने का, समझा? ऐसा के जी ए एम के ऊपर वन डालो, फिर क्या है बाजू में मीटर है तो लेंथ के ऊपर वन डाल दो। देखो ना इधर सामने लिखा है मीटर है तो किस पे वन डालने का, ऐसा सेकेंड रेस टू माइनस टू है तो टी के पावर में माइनस टू, समझा? याद रखो या फोर्स का डायमेंशन याद रखो, बहुत ही आगे सब नहीं कितना बहुत नहीं करते बैठेंगे। फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T माइनस टू, याद रखना है बहुत कुछ कुछ ज़्यादा इजी रहता है बराबर। एक और करके दिखाते, चलो वर्क डन भी करा देता हूँ लास्ट, अभी थियरी बाकी है, मैंने तुमको ये दो चीज़ पढ़ाया नहीं, यहाँ से पढ़ाया ना, थियरी है ना, थियरी पढ़ा लेंगे। थियरी में क्या है? डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए, ये क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि ये सब डेरिवेशन सिखाने के लिए मेरे को वो सब लगेगा बराबर। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन या फिर वर्क लिख देते हैं। चलो पहला पॉइंट फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, एस ले लेता हूँ, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चलेगा बोलो। सेकेंड पॉइंट क्या रहता है? एसआई यूनिट, कैसे निकालेंगे एसआई यूनिट आता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डायमेंशन याद है फोर्स का? एल वन एम वन, अगर नहीं याद है तो फोर्स को लिखना पड़ेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर इतना बड़ा वापस करना पड़ेगा, याद रखेंगे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। डायमेंशन याद है फोर्स का तो इजी हो जाएगा, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सेकंड तो सेकंड है बराबर है। चलो एस यूनिट हो गया, थर्ड सॉरी 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 एस देख के लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ में आएगा मीटर हो जाएगा बराबर है। हाँ क्या निकालना जरा बताओ, डायमेंशन ना, हाँ बताओ न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? L1 M1 T माइनस टू, याद हो जाना चाहिए बराबर, क्या L1 M1 T माइनस टू, फिर बाजू में बताओ क्या है? मीटर, मीटर मतलब L1 आएगा, उसको अलग से दो। जब भी तुम लोग कोई डायमेंशन याद रखा है तो उसको अलग लिखने का, और जो बचा यूनिट है उसको अलग लिखने का बराबर। मीटर बच गया, मीटर के लिए अलग से L दो, L1 बाकी दो जीरो जीरो रहेगा, M0 और समझा रहा मैं अलग अलग क्यों दे दिया दो? क्योंकि एक डायमेंशन मैं याद करके चला हुआ है, सिंपल समझा? जब भी डायमेंशन इनटू में रहेगा ऊपर के पावर को प्लस कर देगा, जब भी डायमेंशन डिवाइड में रहेगा ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर, समझा? याद रहेगा इनटू में है तो पावर प्लस, डिवाइड में तो पावर माइनस, माइनस में न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, सिंपल। क्या है बताओ इनटू में क्या करेंगे? एल वन एल वन एल टू एम वन एम जीरो एम वन टी माइनस टू टी जीरो, समझा? ये भी याद रखो, वर्क डन। L2 M1 T माइनस टू, एक ही तो फर्क है, ये L के ऊपर 1 था इधर L के ऊपर 2 है बस। L1 M1 T माइनस टू फोर्स का, L2 M1 T माइनस टू वर्क डन का, याद रहेगा। चलो अब पढ़ते हैं डायमेंशन है क्या। डायमेंशन ये पावर है, दिख रहा है 2 1 माइनस टू, ये पावर है ना बराबर, एक्चुअल में पावर है। पढ़ते पढ़ो, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर, एक्चुअल में पावर है बराबर। पावर टू विच कंसर्न्ड फंडामेंटल यूनिट्स, देखो ध्यान दो, ये जो L है बराबर ना, L ये फंडामेंटल है कि नहीं है? है ना, लेंथ फंडामेंटल होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, मास फंडामेंटल, टाइम समझा? समझा क्या? डायमेंशंस आर द पावर,
डायमेंशन ऑफ द सॉरी डायमेंशन किसका डायमेंशन है पहले बताओ. डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर. किसका किसके रेस टू है टू विच द कंसर्न्ड फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेस टू लिखा ना रेस टू पावर एल रेस टू टू एम रेस टू वन टी रेस टू मैट रेस्ट किया ना अरे रेस्ट किया ना पावर ऐसा रेस्ट बरा फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेस्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी बरा इससे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी निकाल सकते हैं बरा समझा क्या है याद रहेगा. डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर बराबर किससे कंसर्न है टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट आर रेस्ड ना उसको रेस कर दिया ना तुमने फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेस्ड क्यू इन ऑर्डर टू गेट द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. जो फिजिकल क्वांटिटी था उसका यूनिट निकाल सकते हैं उससे एक ही बात है यूनिट से बना इससे वो भी बना सकते हैं सिंपल ना याद रहेगा. अगर एल टू एम वन टी माइनस टू है मतलब जूल है अरे इसी को जूल बोलते हैं एनर्जी वर्क डन ना वर्क डन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसका यूनिट जूल होता है समझा. ऐसा मैं तुमको कुछ करने देगा थोड़ी देर में कि यूनिट्स निकालने का तुमको याद होना चाहिए कैसे कैसे किया है समझा. सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या. व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी डिराइव्ड क्वांटिटी विद अप्रोप्रिएट पावर और सिंबल ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी देन सच एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. कैसे मालूम पड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला है देखो यहाँ पे क्या है. व्हेन वी रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड क्वांटिटी वर्क डन निकाल रहे थे ना हम लोग वर्क डन फंडामेंटल की डिराइव्ड है फंडामेंटल तो साथ ही है तो डिराइव्ड है ना. व्हेन वी रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटी विथ अप्रोप्रिएट पावर ऑफ सिंबल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ना दिख रहा है इसका दिख रहा है ये फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ मास टाइम इसका पावर के हिसाब से मैंने डिराइव क्वांटिटी को लिखा हुआ है ना तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला. समझा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है अरे बोलो ये तो पढ़ना पड़ेगा मतलब समझा देता हूँ तुमको क्या है समझा मतलब क्या है बोलो क्लियर है. डायमेंशन निकालने आया कोई भी अगर तुमको बोलूँ तो कोई भी डायमेंशन ठीक है ना. चलो तो नेक्स्ट पढ़ते पढ़ो नेक्स्ट ज़रा क्वेश्चन क्या है. हाँ अब तो डेरिवेशन है अब डेरिवेशन तुमको तब आएगा जब तुमको पहले का सब कुछ आएगा बराबर. तो डायमेंशनल एनालिसिस का तीन एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में. पहला एप्लीकेशन पढ़ो क्या है यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. समझो कोई साइंटिस्ट है उसने एक फॉर्मूला बना दिया और उसको चेक करने का कि मेरा फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है तो वो खुद से चेक कर सकता है अगर उसको ये आता रहेगा तो. समझाया क्या है. समझो कभी किसी ने कोई फॉर्मूला बनाया है और उसको चेक करने का कि मैंने राइट बनाया कि रॉन्ग बनाया तो इससे अपन चेक कर सकते हैं. कैसे मालूम पड़ा अरे देखो ना क्लियर लिखा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. जो भी इक्वेशन बना देगा सब वो करेक्ट है कि रॉन्ग है वो सब चेक कर सकते हैं. कैसे डायमेंशन यूज करके चेक करेंगे. देखो एक से पढ़ो जरा पहले है क्या पहले पढ़ो क्या. If any equation relating difficult different physical quantity, ये ऐसा नहीं शायद तुमको समझेगा. देखो मैं एक equation बनाता हूँ तो समझा दे. समझो मेरे पास ये equation है V is equal to U plus AT. मालूम है क्या है ये kinematical equation. Right है कि wrong है. Right है. हम लोग प्रूफ भी करते कि right है कि confirm वो right ही है. समझा कैसे प्रूफ करेंगे ये यूज करेंगे डायमेंशन यूज करेंगे. समझा अब देखो क्या एक ही फिजिकल क्वान्टिटी है अलग है एक वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करके रखा है. पढ़ो आप पढ़ो इफ एनी इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. समझा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट किए आगे पढ़ो इफ द डायमेंशन. हाँ ये राइट कब है ये राइट कैसे मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि राइट ही है. सिंपल है LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन से मैच हो जाना चाहिए. मैं एक ही काम करेगा मैं LHS का डायमेंशन निकालेगा और मैं RHS का भी डायमेंशन है और अगर दोनों का डायमेंशन मैच हो गया इसका मतलब राइट फॉर्मूला. समझा पॉइंट क्या है आगे पढ़ो अब पढ़ो इफ द डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स आर सेम देन द इक्वेशन इज सेट टू बी. समझा कब रहेगा राइट जब दोनों साइड का डायमेंशन और वो आने के लिए तुमको ये आना पड़ेगा. समझा चलो पढ़ो क्या है. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों साइड सेम 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 बराबर. तो मैंने एक इक्वेशन लिया चलो फटाफट डायमेंशन निकालते हैं एक एक का डायमेंशन निकाल के रखते हैं बम. तो यहाँ से मेरा थर्ड पॉइंट समझो ये इक्वेशन मैंने काइनेमेटिकली तुम लोग कुछ भी लो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कोई भी फॉर्मूला लो राइट ही आएगा इससे. समझा चलो देखते हैं करके दिखाता हूँ ना मालूम पड़ेगा. वेलोसिटी है बराबर वेलोसिटी यूनिट आता है क्या रहता है यूनिट मीटर पर सेकेंड ना मीटर पर सेकेंड आता है कि नहीं बोलो आता है ना. वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ जरा क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना बोलो ऐसा यूनिट क्या रहता है. इसका यूनिट निकालेंगे तो आएगा मीटर पर बराबर मतलब मीटर सेकेंड रेस टू माइनस वन. बताओ डायमेंशन बोलो क्या आएगा एल वन
kg नहीं दिखाई दे रहा है, m0 टाइम के लिए सेकंड दिखाई दे रहा है, t माइनस वन, समझा? बराबर है, क्या नाम बोलते हैं उसको, बोलते क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी तो वो भी है ना, तो फिर से करते बैठू क्या, वही आएगा उसका बराबर। तो अगर सेकंड तुम लोग u निकालने जाओगे उसका फॉर्मूला भी यही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही है, समझा? यूनिट डिवाइड बाय सेम, डायमेंशन भी यही मिलेगा तुमको, डायमेंशन l1, क्योंकि वो भी वेलोसिटी है ना, समझा? फाइनल लेने तो इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है बराबर। थर्ड चीज बोलो और क्या लगता है बताओ उसमें, एक्सेलरेशन निकाला लगता है अपन, एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, तुमको याद है ना एक्सेलरेशन क्या होता है, बोलो फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, बोलो वेलोसिटी बाय, बोलो यूनिट क्या आएगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, दो दो सेकंड हो गया ऊपर गया, बोलो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। याद रखो ये सब, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर। निकालते डायमेंशन, चलो डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, बोलो बोलो L1 M0 T रेस टू माइनस टू बराबर है, सही है? चलो ठीक है, इतना सब निकाल दे, अरे वो क्या है, वो तो वन ना, T1 ना, इधर ही निकाल देते, चलो इधर फोर्थ स्टेप इधर ही कर देता हूँ मैं। बोलो T का डायमेंशन क्या रहेगा, T का अगर मैं डायमेंशन निकालने जाऊँ T के लिए, बोलो डायमेंशन L0 M0 T1 ना, वन की माइनस वन वन आएगा ना, T1 आएगा ना, बरा सब मिल गया ना, पुट करो इक्वेशन में, LHS सॉल्व करो, LHS इतना बड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है? चलो फोर्थ स्टेप हो गया ना, फिफ्थ स्टेप LHS का डायमेंशन निकालने जाते हैं, LHS बोलो कौन है, वी है ना, वी वी का डायमेंशन है क्या, बोलो क्या LHS का डायमेंशन, फिर L1 T माइनस वन, ये LHS का डायमेंशन हो गया। अगर मेरा RHS का डायमेंशन भी यही आया तो आंसर मतलब इक्वेशन राइट है। चलो सिक्स स्टेप RHS निकालते हैं, RHS में कौन कौन है, U बताओ पहले, U तो वही आएगा ना, यही आएगा U, L1 M0 T माइनस वन प्लस U का लिख दिया मैंने प्लस, उसके बाद कौन है, A, A भी निकाला लगता है अपन ने, A इधर है बराबर, क्या आएगा L1 M0 T माइनस टू बराबर है, इसके साथ इनटू में, A के साथ इनटू में, देखो इनटू में कौन है, T का है क्या डायमेंशन, है ना तुम्हारे पास, L0 M0 T1 बराबर है, डायमेंशन को इनटू करने सिखाया था इधर, पावर पावर प्लस, इसको कुछ होएगा वो एज इट इज रहेगा बराबर। बोलो क्या है हमारे पास, L1 M0 T माइनस वन बराबर, ये पहले का ये वाला है, अभी बाकी ये करना, बताओ प्लस पावर प्लस करे ना, L1 M0 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 माइनस टू और वन, वन और माइनस टू, वन माइनस टू बराबर, तो T माइनस वन आ गया ना यहाँ पे। मैंने तुमको डायमेंशन का इनटू सिखाया बराबर, अब मैं तुमको डायमेंशन का एडिशन सिखाता है, डायमेंशन का एडिशन हो रहा है और दोनों डायमेंशन सेम सेम है तो वही तुम्हारा आंसर रहता है, सेम सेम है तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, L1 M0 T माइनस वन, RHS का आंसर देखो, LHS का आंसर देखो, देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, समझा कैसे किया, समझा इजी है ना, अरे बहुत इजी है, समझा समझा क्या है, देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, समझा सबको, बोलो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट समझा एक एप्लीकेशन कैसा है, सिर्फ यही नहीं, अगर तुमको ये लग रहा है कि ये ऐसा कोई भी इक्वेशन प्रूव कर सकते हो तुम लोग, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव कर सकते, समझा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस भी प्रूव कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मुला इससे प्रूव कर सकते हैं, समझा बराबर है। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, टू एस्टैब्लिश, अब फॉर्मुला चेक किया, अब फॉर्मुला बनाएंगे, साइंटिस्ट बन जाते हैं, फॉर्मुला बनाते हैं, देखो पढ़ो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड क्वांटिटी, मतलब हम लोग कोई क्वांटिटी का रिलेटेड, समझो मुझ में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पेंडुलम का मैंने एक्सपेरिमेंट किया और उसका टाइम में बॉब का टाइम पीरियड चेक कर रहा है, बॉब को साइड में लिया, इधर से छोड़ा, इधर गया बॉब, फिर इधर आया, समझा ऐसा, तो उसमें मुझे ये मालूम पड़ा कि वो जो बॉब को जब मैं ये साइड खींचता है तो इधर से जाके यहाँ पे आने के लिए जो टाइम लगता है वो डिपेंड करता है बॉब के स्ट्रिंग पे, कि स्ट्रिंग कितना लंबा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग जितना लंबा रहेगा उतना ज़्यादा आगे जाएगा, ऐसा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा मालूम पड़ा, तो जो मेरा टाइम पीरियड है बॉब का, बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ पहला स्ट्रिंग के लेंथ पे, तो देखो पहला पॉइंट पढ़ो,
द टाइम पीरियड मतलब द पीरियड टी, पीरियड मतलब टाइम पीरियड टी ऑफ अ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, बस रुक जाओ, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एल, समझा एल, जितना लंबा स्ट्रिंग रहेगा उतना जाके आने में उतना टाइम जाएगा, समझा, समझ में आ रहा है? हाँ। दूसरा, फिर मेरे को बाद में मालूम पड़ा ऐसा कि प्लैनेट अगर मैं चेंज करूँ ना, प्लैनेट कोई दूसरे प्लैनेट पे ऐसा पेंडुलम करूँ तो उधर कुछ अलग आ जाता है, समझा, मतलब वो प्लैनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है, समझ में आ रहा है? खुद को साइंटिस्ट में समझो, मतलब बताया ना अरे सर कैसा मालूम पड़ा, वो अलग है तुम अलग है, समझा? तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ में आ रहा है पॉइंट क्या हो रहा है, बोलो। तो मेरे को अभी तक मालूम, मेरे को टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला बनाने का है, और मेरे पास से अभी तक दो ही इन्फॉर्मेशन है, समझा, दो इन्फॉर्मेशन है, उसमें से पहला इन्फॉर्मेशन जो टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे भी डिपेंड करता है, समझ में आया, इतना चीज़ याद है। चलो अब हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला कैसे बनता है। तो मेरे पास एक रिलेशन है ना, अच्छा रिलेशन ये है कि लेंथ बढ़ाओ तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ाओ तो भी टाइम पीरियड बढ़ता है, तो डायरेक्टली एक इन्वर्सली पहले बताओ, चलो डायरेक्टली इनवर्स सिखाया ना, अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मैंने बढ़ाया तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, डायरेक्ट बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है, समझा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ाया, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, डायरेक्टली बढ़ रहा है मतलब डायरेक्टली बढ़ा रहा है, कम हो रहा होता है इनवर्सली हो जाएगा ना, समझा, दोनों कैसा है, डायरेक्टली। चलो बनाते हैं फॉर्मूला, इधर देखो जरा, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मुझे मालूम है कि लेंथ पे डिपेंड करेगा, शायद लेंथ का स्क्वायर हो सकता है, वो तो कुछ भी लगाएगा ना, देखा लेंथ का क्यूब भी हो सकता है, तो मैं लेता है लेंथ रेस टू ए, मुझे नहीं मालूम ए क्या है, ए कुछ तो रहेगा पावर, कुछ तो रहेगा ना, समझा। और एक चीज मुझे मालूम है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू, जरूरी है क्या जी का रेस टू पावर 1 पे डिपेंड करेगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ले लूँ कुछ दूसरा बी ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, ए बी कॉन्स्टेंट है कोई तो, अरे फॉर्मूला बना रहा है ऐसे बनता है फॉर्मूला, समझा, दोनों कैसा है डायरेक्टली है, तो दो दो अलग क्यों लिखूं, एक साथ लिख दूं, आता नहीं तब से सिखाया तुमको मैंने, बोलो क्या लिखूं बताओ, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए जी रेस टू बी, तुमको ये भी मालूम है जैसे प्रोपोर्शनल हटता है क्या क्या आता है, इक्वल टू और कॉन्स्टेंट, तो बोलो क्या लिख दूं बताओ, टी इज इक्वल टू के एल रेस टू ए, बोलो जी रेस टू बी, समझा। एक प्रॉब्लम आता है साइंटिस्ट लोग के पास, देखो हर एक चीज पेन पेपर पे किया नहीं जा सकता है, इधर बैठेंगे एक रूम में आराम से करेंगे फॉर्मूला बनाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, समझा, प्रैक्टिकली जाके ग्राउंड लेवल पे करके देखना पड़ता है क्या होता है, समझा ना, पेन पेपर लेके फॉर्मूला नहीं बनता है, समझा, प्रैक्टिकली जाके करना पड़ता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, कॉन्स्टेंट में, के ना कॉन्स्टेंट, उधर प्रॉब्लम, बाकी किधर प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझा, के एक कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट बट डायमेंशन लेस, समझा, डायमेंशन नहीं है इसके पास। अच्छा तुमको टी का तो डायमेंशन मालूम ही है, टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन मालूम है, बोलो एल जीरो एम जीरो टी वन, एल क्या है, डायमेंशन आता है, बोलो एल वन एम जीरो जी क्या है, नाम में ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन तो निकाला है ना, अरे एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट से वही डायमेंशन सेम आता है, क्योंकि यूनिट सेम रहता है, पढ़ा है ना, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझा, तो इसका भी मेरे पास डायमेंशन पहले से है, के क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, समझा, जो के है वो हमारे लिए क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब बाकी सबका तुम्हारे पास डायमेंशन है क्या, के को छोड़ के सबका डायमेंशन है, तो बना सकते हैं फॉर्मूला फिर, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं, बोलो टी का डायमेंशन, बोलो टी का डायमेंशन, हाँ एल जीरो एम जीरो टी वन, किधर से बोल रहे तुम लोग देख के ये टी का डायमेंशन आता है क्या तुमको, टी बोल रहा है मतलब टाइम, टाइम मतलब सेकंड, सेकंड मतलब टी पे वन रहेगा और क्या रहेगा, बराबर, डायरेक्टली नहीं इक्वल टू है मेरे पास, अच्छा के नहीं लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के टाइम पे इसका इसके पास तो डायमेंशन नहीं है तो क्यों लिखूं मैं, डायमेंशनल फॉर्मूला में वो चीज का डायमेंशन लिखेंगे जिसके पास डायमेंशन है, के के पास डायमेंशन ही नहीं है तो क्यों लिखूं मैं, किसको लिखूं बताओ, एल लिखूं, एल लिखेंगे, बोलो एल क्या है, एल वन एम जीरो टी जीरो, लेंथ है ना,
भूलो मत पावर भी उधर ए रेस टू ए चलेगा ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बताओ डायमेंशन एल वन एम जीरो टी रेस टू माइनस टू रेस टू समझा। पावर पावर मल्टीप्लाई होता है आता है ना ये तो चलो पावर पावर को पहले डायरेक्ट ये नहीं कर पाएंगे पावर अलग अलग है समझा। पहले पावर हटाओ ए भी हटाओ ए वन के पास जाएगा ए जीरो के पास जाएगा ए जीरो के पास समझ आ रहा है पावर पावर मल्टीप्लाई होगा बोलो क्या आएगा बताओ एल रेस टू ए बोलो जल्दी जीरो टी रेस टू जीरो राइट है आगे बताओ एल रेस टू बी एम रेस टू जीरो टी रेस टू माइनस टू बी मैथ्स आता ही होगा तुमको ना थोड़ा बहुत बराबर हाँ मत उतना ही ना ये इनटू है क्या अब डायमेंशन के ऊपर अलग अलग पावर है होल डाइम पावर नहीं है ना अब हो सकता है तुमको मालूम है जब दो डायमेंशन मल्टीप्लाई में रहता तो क्या होता है पावर पावर प्लस। चलो हमारे पास एल एच एस में एक डायमेंशन है बोलो क्या है एल जीरो एम जीरो टी वन बोलो बोलो एल में पावर प्लस करना है कि ए भी होता है ना ए प्लस बी अल्फाबेट अल्फाबेट कभी प्लस नहीं होता है नंबर नंबर प्लस होता है मालूम है ना प्लस और एक्स प्लस एक्स तो होता है टू एक्स ना तो वो सेम सेम चीज है ना ये सेम सेम है क्या और भी थोड़ी होएगा यहाँ पे आगे बताओ जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो आगे जीरो और माइनस टू भी बराबर ना समझ में आ रहा है क्या अब कंपेयर किया जा सकता है बोलो इधर एल का पावर क्या है तो ऑन कंपेयरिंग अगर मैं कंपेयर करूं तो बताओ ए प्लस बी के जगह कौन है कहाँ कैसे देख के बताओ इधर एल के ऊपर इधर के ऊपर देखा ना हाँ और कुछ तो देख सकते हो बताओ तुम लोग एम जीरो जीरो क्या देखेंगे टी देखो ना माइनस टू बी के जगह कौन है वन है बराबर बी मिल सकता है यहाँ से अरे बी मिल सकता है बताओ डायरेक्ट बता सकते हैं बी का आंसर बोलो क्या रहेगा माइनस वन बाय अरे माइनस टू नीचे जाएगा ना तो माइनस वन बाय टू बराबर है बोलो बी मिल चुका है तुमको अरे बी मिल गया ना बी मिल गया अब क्या चाहिए बताओ ए अगर मैं बी का वैल्यू माइनस हाफ यहाँ पुट करूँ दिख रहा है इस इक्वेशन में तो बताओ ए माइनस हाफ इक्वल टू जीरो आएगा ना अरे बी का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से उठा के यहाँ पे तो बताओ ए का आंसर कितना आएगा हाफ ए भी मिल गया बी भी मिल गया ना बराबर है और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया बता रहे तुमको सब कुछ काम पेन पेपर पर तो होएगा नहीं जब वो बॉब का पेन दिख रहा है वैसा पूरा टाइम पर निकाला गया वहाँ पे मालूम पड़ा जो के है ना के कांस्टेंट इसका आंसर होता है टू पाई कहाँ से मालूम पड़ा एक्सपेरिमेंटली याद रहेगा बता के आंसर कितना आता है टू पाई बराबर ध्यान दो इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट किसका वैल्यू टू पाई है वैल्यू ऑफ के इज बराबर टू पाई उसका वैल्यू होता है। अब तो सब कुछ आ गया तुम्हारे पास ए चाहिए था अरे ए चाहिए था ना ए है बी चाहिए था बी भी है के चाहिए था के भी है बताओ फॉर्मूला देयरफॉर टी इज इक्वल टू इधर मेन इधर इधर हाँ के जगह क्या लिखू एल एल रहेगा ए के जगह क्या लिख दू ए के जगह हाफ लिख दू जी तो जी रहेगा बी के जगह क्या लिख दू ऊपर माइनस हाफ है नीचे गया तो हाफ टू पाई एल रेस टू हाफ अपॉन आता है कितना मैथ्स दोनों रेस टू हाफ है एक साथ रेस टू हाफ कर दू एक साथ मतलब ब्रैकेट रेस टू हाफ पर बोलो क्या आएगा टू पाई एल बाय जी रेस टू हाफ का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट रेस टू हाफ का मतलब तो मिल गया फॉर्मूला फिर तो टी टी निकाले थे ना टी का फॉर्मूला टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी लगता है जो तुमको दिया ना मैंने टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम उसमें ये फॉर्मूला आया है ये उसका बीच के एक स्टेप का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी ऐसा कुछ है क्या एल कॉस्ट नहीं तुम्हारे इसमें था कहीं तो पढ़ाया मैं तुमको अरे कोनिकल पेंडुलम में भी आया ये चीज उधर आया लगता ना पेंडुलम में आया ना कोनिकल पेंडुलम टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी ना हाँ वैसे देखो वहां पे आया टू पाई समझा अरे फॉर्मूला बना दिया
ऑलमोस्ट सब चीज किया, खाली के में अटक गया, वो तो प्रैक्टिकली आया ना। समझा समझा कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, समझा? तो ये हमने बना दिया फॉर्मूला, बोलो समझाए क्या? चलो अब नेक्स्ट पढ़ो क्या है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अगर अलग अलग तरीके से लिख रहे हो तो कैसे, देखो कैसे मालूम पड़ा कि एक किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, इससे मालूम पड़ेगा जो मैं कराने जा रहा है। कैसे मालूम पड़ा कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इससे मालूम पड़ा, करके बताओ। मैं एक बताएगा तो मैं उस पर कुछ भी कर सकता हूँ ना, मैं कोई भी कन्वर्जन करके देख लो आएगा तो वो राइट आएगा, समझा? एक बताता हूँ वो है, ये तुम्हारे टेक्स्टबुक का फेमस क्वेश्चन है, वर्क डन वर्क 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 का SI यूनिट होता है जूल, बराबर। वर्क का CGS यूनिट होता है अर्ग, क्या होता है अर्ग, बराबर। एक जूल कितना अर्ग, वो तो तुमको नहीं मालूम है, नहीं तो बोल देते अभी। एक किलोग्राम तो मालूम है ना कितना, वो मालूम है, वैसे ही एक जूल कितना तो अर्ग रहेगा, मेरे को नहीं मालूम है, करके देखते हैं। मालूम है क्या? नहीं, करके देखते हैं। यही तरीके से कुछ भी लेके आ सकते हैं, इसी तरीके से कुछ भी लेके आ सकते हैं। एक किलोग्राम कितना ग्राम, वो भी लेके, मालूम है हमको 1000, लेकिन फिर भी लेके आ सकते हैं यहाँ से, समझा? करके दिखाओ, एक जूल कितना अर्ग होता है वो करके दिखाते हैं। चलो फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा सेकेंड स्टेप में ऐसा एज्यूम करता हूँ, एक जूल कितना तो अर्ग रहेगा ना, कि कुछ तो अर्ग रहेगा, एक्स अर्ग ले लूँ, एक्स ले लेता हूँ, बराबर। तो लेट, बोलो 1 जूल कितना ले लूँ, बोलो एक्स अर्ग ना, ERG, बराबर एक्स अर्ग। एक जूल को कितना ले लिया बताओ हम लोग ने, एक्स अर्ग। अब जूल किसका यूनिट है, वर्क, SI यूनिट है। अर्ग किसका यूनिट है, वर्क का ही है, लेकिन एक ही फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट के बीच में तो कन्वर्जन निकलता है ना। अरे किलोग्राम भी मास का यूनिट है, ग्राम भी मास का, एक किलोग्राम 1000 ग्राम, समझ में आ रहा है? दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पर, बराबर करते हैं। अब जूल SI यूनिट है, अर्ग CGS है, एनर्जी का, दोनों वर्क डन का यूनिट है। वर्क डन का डायमेंशन निकाल के दिखाया था मैंने तुमको, बोला भी था याद करके ले लो, इससे यूज होएगा। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, L2M1T-2, L2M1। तो थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो। तो जूल के लिए मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ, किसके लिए डायमेंशन लिखते हैं, जूल, बोलो क्या था बताओ। अरे जूल मतलब वर्क डन का यूनिट है, बोलो L2M1T-2 इज इक्वल टू एक्स लिख दूं। अर्ग भी तो है, अर्ग किसका यूनिट है, और वर्क डन का डायमेंशन आता है मेरे को, वही डायमेंशन आएगा, बोलो क्या डायमेंशन, L2M1T-. लेकिन फर्क समझो, अगर ऐसा लिखेंगे तो फिर तो कैंसिल कैंसिल हो जाए। हाँ, ये वर्क डन का यूनिट है, ठीक है, ये भी वर्क डन का यूनिट, वो भी ठीक है, लेकिन ये वर्क डन का यूनिट SI सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे 1 1 1 लिख दूं। 1 रिप्रेजेंट करता है क्या, कि वो SI यूनिट का डायमेंशन है। क्या इधर मैं 2 2 2 लिख दूं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, CGS, इधर लिख दो बराबर। वेर 1 जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट SI एंड 2 रिप्रेजेंट CGS यूनिट। समझ में आ रहा है सबको, तुमको चाहिए क्या बताओ, हमको मालूम ही नहीं हमको क्या चीज है। अरे X चाहिए ना, X अर्ग बताया था ना, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो X चाहिए ना, X जो चाहिए उसको अलग करो पहले, बोलो क्या आएगा, X X, अरे बोलो बस हो गया, बताओ X को अलग करना पड़ेगा, इस चीज को नीचे भेजना पड़ेगा ना, तो बोलो क्या आएगा बताओ, L1, देखो पहले लिख दो, पहले ऐसे लिख दो, L2M1T-2, ये ऊपर रहेगा, नीचे भी ऐसे ही रहेगा, L2M1T-2, लेकिन ये 111 के लिए है और ये 222 के लिए, बराबर है, बोलो बराबर है, ध्यान दो साइंटिस्ट लोग, इधर 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 X, जरा ध्यान से देखो, दोनों L का पावर सेम ही है, दोनों L का पावर 22 है, वो बात अलग है कि नीचे 1 और नीचे 2 लिखा है, पावर तो एक ही है। दोनों M का पावर सेम है, 1 है, दोनों T का पावर सेम है, -2 है, सेम, अगर सेम सेम पावर है, हाफ हाफ था, एक साथ हाफ लिख दिया, सेम एक साथ लिख दूं, बोलो क्या लिखो बताओ, L1 के नीचे L2 आएगा, लेकिन पावर तो सेम है, पावर तो 2 का है, पावर 2 का है ना, आगे M1 अपॉन पावर कितने का है, 1 का है, आगे बताओ, T1 के नीचे T2 आएगा, पावर कितने का है, बराबर है, इतना समझ में आ रहा है, क्या निकाल रहे हैं, X X निकाल रहे हैं ना, X इज इक्वल टू ना, 1 याद है, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है,
एसआई को, एसआई सिस्टम में लेंथ को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर। लेंथ मतलब मैं तो मैं एल वन के जगह पे मीटर लिख दूं चलेगा? चलेगा ना। टू किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में लेंथ किसमें रहता है? अरे सी मतलब सेंटीमीटर ना, तो नीचे सेंटीमीटर लिख दूं, लेकिन पावर तो कितने का रहेगा? समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? अरे रिलेशन निकाल के दिखा रहा हूं तुमको मैं। आगे एम वन है, वन किसको रिप्रेजेंट करता है? एसआई। एम मतलब मास, मास को एसआई में किसमें लिखते हैं? किलोग्राम, केजी, बराबर है। एम टू मतलब किसमें? मतलब सेंटीमीटर हो गया, अब ग्राम, फिर सेकंड आएगा ना बाद में, तो ग्राम लिख दूं, लेकिन पावर तो एक ही आएगा, वन का पावर। टाइम को एसआई में किसमें देखते हैं? सेकंड में देखते हैं, और सीजीएस में? अरे सर कैसा मालूम पड़ रहा है, इसको इसमें देखते हैं, उसको इसमें देखते हैं। अरे नाम में देखो नाम, ऐसा ही तुमको याद है, ऐसा याद है। सीजीएस मतलब लेंथ सेंटीमीटर, जी ना सही, जी एस, जी मतलब ग्राम, ग्राम लिखा देखो, एस मतलब सेकेंड, सेकेंड ही आएगा ना, पावर कितने का आएगा? समझा, आता इतना। एक मीटर कितना सेंटीमीटर? एक मीटर 100 सेंटीमीटर, बरा मीटर के जगह पे लिख दू 100 सेंटीमीटर नीचे, क्यों किया बोला ऐसा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, हटना चाहिए ना सब कुछ चीज। एक किलोग्राम कितना ग्राम? 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम लिख दू नीचे भी, जी लिख दू चलेगा, कट रहा है जी जी। एक सेकेंड कितना सेकेंड? अरे सेकेंड सेकेंड पहले से सेम है, इसको थोड़ी लिखेंगे तुम लोग, पहले से सेम है बराबर ना, तो सेकेंड अपॉन सेकेंड रेस टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया, ग्राम ग्राम गया, सेकंड सेकंड गया, इधर बचा हुआ, हाँ इधर लिखा नहीं टू, इधर टू आएगा ना, और इधर आएगा वन, सेकंड अपॉन सेकंड वन, वन रेस टू माइनस टू वन। अरे वन का 1000 पावर लो, मिलियन कुछ भी लो, वन ही आएगा ना, तो इसका तुमको टेंशन ही नहीं है, कैंसिल हो गया ना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ बताओ, बचा क्या मेरे पास यहाँ पे? 100 का पावर है। अच्छा 100 मतलब 10^2, 10^2 का स्क्वायर 10^4 बराबर ना, 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 बराबर ना, नहीं मालूम, 100 क्यूब 1000 बराबर ना, 10^4 आएगा ना, 1000 है, 1000 का पावर देखो कितना दिया है, 1000 मतलब 10^3, अरे 3 0 ना, तो 10^3 इधर कुछ है क्या? नहीं, गया ना, 10^4 और 10^3, तो x का आंसर कितना आया? इसका मतलब है 1 जूल का आंसर जो है, 1 जूल का आंसर कितना है? 10^7 अर्ग, ऐसा प्रूफ करने आता है एग्जाम में, प्रूफ दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग। समझा कैसे लाया? समझा, समझा रहेगा ना, ऐसा कुछ भी लेके आ सकते हैं, इसी तरीके से कुछ भी तुम लोग लेके आ सकते हैं, कोई भी कन्वर्जन तुमको चाहिए इस तरीके से लेके आ सकते हैं, खाली ये है बेसिक कन्वर्जन तुमको आना चाहिए। अगले सर सब सब आएगा, इधर तुमको मालूम ही नहीं कि एक मीटर कितना सेंटीमीटर, एक किलोग्राम कितना ग्राम, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे तुम लोग। समझा, बेसिक तो आना चाहिए, लेंथ मास टाइम तो आना ही चाहिए, टाइम तो छोड़ो वो तो कट गया, बचा लेंथ मास, वो तो आना ही चाहिए ना तुमको, और बचपन सब पढ़ाया ना, बचपन में सब उन्होंने 4th 5th से पढ़ते आ रहे ना, बराबर ना, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। समझा कैसे आया? 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 आर, इसी के बेसिस पे बहुत कुछ कर, 1 न्यूटन भी होता है, 1 न्यूटन भी किसी फॉर्म में ऐसा 10^5 वगैरह में आता है, डाइन 1 न्यूटन इज इक्वल टू ऐसा कुछ आता है, 1 न्यूटन कितना डाइन ऐसा होता है, वो तुम लोग करो, उसमें इंटेक्स क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया है वहाँ पे। समझा कैसे किया है? याद रहेगा ना, चलो हो गया, चलो यहाँ पर।